फिल्म दुनिया वालों ने बड़ा प्यार का धोखा खाया है। देखिए कैसे धोखे और कहां का हो रहे हैं। पुरस्कार में बात में बोलूंगी, ये सुनिए बात अभी चल रही थी अहिल्या की। लेकिन वो अहिल्या जिस समय गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, अहिल्या पत्थर की हो गई। अहिल्या पत्थर की हो गई, अहिल्या पत्थर की हो गई। मैंने आप लोगों से गीत को सुना, अहिल्या कह रही जिस समय राम जी आए उस आश्रम में राम जी का पद रखा तो अहिल्या को अपने पति की याद आ गई। उन्होंने कहा था जिस समय राम आएंगे तब तो तुझे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। क्या बात है, बैठे रहो चंदा मामा। सुने तू अहिल्या कह क्या रही है, अरे पावन से हुई मैं पत्थर बनाया है। लेकिन वो वृंदा कह क्या रही है, दावे लगा आगे दान मुझको व्यापियो भारी चिंता मेरे पति का रूप बना के आ गया। चलिया विष्णु मेरे पति का रूप बना के आ गया, तो मैंने समझा कि मेरा पति इसलिए बाहों में आया।
सोच रही है क्या बच्चे पीछे चले गए लेकिन जब तक मेरा भाई भीष्म ये भेद ना देता कि मेरे नाभि में अमृत है तो राम तुमको तुम उसको मार नहीं पाते। घर का भेदी लंका ढाए हाय रे पहले अपनों से तो हाय रे पहले जाने तो हाय रे सरकार की चले चलते चलते एक छोटा सा पीस और जल्दी मैं आपको दे दी क्योंकि सात चक्र होने हैं ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। और क्या हमारी दीदी जी भी आ रही है बड़ा स्नेह है बड़ा प्रेम है हमारी दीदी से और आप लोगों को मैं सदैव आइए 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 आदरणीय हमारे बहन जी हमारे पूरे परिवार से एक पारिवारिक रिश्ता है तो कुछ नहीं कर सकते दिल में देने वाले बात है क्या क्या सोना सावन है ए मन भा
होता है मोहब्बत में, वरना कोरे नहीं गए। ये जी हर सांस किसी के लिए सुहानी नहीं होती, चाहत के पीछे कोई कहानी नहीं होती। कुछ तो असर होता है मोहब्बत में, वरना गोरी राधिका सामने श्याम की दीवानी नहीं होती। प्रेम के रिश्ते कुछ ऐसे निभाए गए, प्रेम नगर में कई आए और गए। प्रेम साल इससे ज्यादा और क्या दो, गरम दूध राधा ने प्रिया पर छाले किसन के पाए गए। ढेर सारा धन्यवाद है, हमारी दीदी जी हैं, बाबा जी की छोटी बेटी है। अच्छा बड़ी है, अच्छा अच्छा, ये हमारी बड़ी वाली दीदी जी, छोटी वाली अभी बैठी है, उनका भी इंतजार है। आपके करकनों से आपने ये पुष्पमाल, 101 पद मुद्राएं और एक अंग वस्त्र यानी शॉल भेंट किया है। वाह, सर्दी भी आ गई है, सीजन हृदय से नमन कर रही हूँ। ढेर सारा धन्यवाद है, वाकई आज आपने कमाल कर दिया, जिंदगी की कायम का मिसाल कर दिया। ऐसे तो हम लोगों के पास कुछ था नहीं, आपने ये माला सॉल और माल लेके माला माल कर दिया। राधा जी कहने लगे, तू अपने आप से ज्यादा ना इतराया कर, सुबह शाम यूं ही बांसुरी ना बजाया कर, कि तू बंसी बजाते हो या मुझे बुलाते हो। कन्हैया मैं मानती हूँ कि तुम्हारी बांसुरी से सभी मोहित हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई यही है और तुम्हारी बांसुरी अकेली नहीं बजती है। तो कन्हैया कन्हैया, अरे तोरी बांसुरी कर रही है, बांसुरी बज रही है, सारे सा अब पायल बजे, बांसुरी बजी, सारे सा रे गा रे गा गा मा मा मा, सारे सा रे गा रे गा गा मा मा मा, सारे सारे गा रे गा Thank you.
जनकपुर की कुछ कुंवारियां राम जी को देखकर के मोहित हो जाती हैं। राम जी उनकी तरफ नजर करते हैं, वो कहती है कि मैं भी आपको पति के रूप में चाहती हूँ, लेकिन भगवान ने कहा इस बार तो मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ, लेकिन आपको मैं द्वापर में जब आऊंगा अवश्य वरण करूंगा। और वही जनकपुर की कुंवारियां राधा जी के पायल की घुंघरू बन गया है। उसके बाद भगवान आंगन में डोलते हैं, कुछ बड़े हुए उनके पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं, घुंघरू घुंघरू बज रहे हैं, भोलेनाथ भी अपना डमरू बजा रहे हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं प्रभु प्रभु तेरे घुंघरू मेरा डमरू, तुम्हारे घुंघरू तो मेरा डमरू, लेकिन घुंघरू की आवाज बदल जाती है। और क्या देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल बात समझ में आ गई आपकी, अच्छी बात है। वैसे हमारा कोई इरादा नहीं कि हमसे कोई भी क्षमा मांगेंगे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, खास तौर से जब छोटे क्षमा मांगे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि पुरानी कहावत है कि क्षमा बड़े को चाहिए और छोटे को उत्पात, बिल्कुल तो वैसे ही क्षमा हो जाएंगे। लेकिन बस यही है कि जो कुछ बोला जाए जरा सोच समझ के बोला जाए, क्योंकि कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आप सुप्रसिद्ध कलाकारा हैं, बिल्कुल कोई छोटी मोटी कलाकारा नहीं है, ना ना बहुत नाम है आपका भिंड से लेके कानपुर तक। हेलो भैया, चाटी बढ़ा दीजिए थोड़ी, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया साउंड है दीपक भैया तुम्हारा, थोड़ा बस खींचते रहो। देखिए ये 101 रुपए की बड़ी ही पावन मुद्राएं, प्रेम से कहते हैं, प्रेम से भेंट हुई है हमारे लिए, और ये खूबसूरत सॉल, ये बड़ी ही प्यारी पुष्पमाल जिसमें प्रेम ही प्रेम लिखा है, हृदय से बहनी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रेम मुंह से कह देना बड़ा आसान है, क्योंकि दो शब्द का होता है प्रेम, कह दिया छुट्टी हो गई, क्योंकि हम लेकिन प्रेम इतना आसान नहीं है। अरे प्रेम में झूठी पुकार है, प्रेम ही तो सार है, भजने तो बहुत से बेड़ा पार है, खाली प्रेम प्रेम रटने से प्रेम की परिभाषा ज्यादा सरल नहीं है, बहुत कठिन है। अरे प्रेम तो वो है जो उससे
क्योंकि हम लोग खाली प्रेम प्रेम रटने से प्रेम नहीं हुआ। हम लोग प्रेम की नगरी से आए हैं, भगवान कन्हैया की नगरी से आए हैं। ब्रजधाम ब्रजधाम ब्रज देहरी हाथ हाथ रस मथुरा, जिसके हाथों में रस निकलता है। हाँ हाथ रस, जहाँ हाथों में भी रस निकलता है। हाथ रस जिसके एक एक कण में रस ही रस है, मिठास ही मिठास है, एक एक कण में प्यार है। हम लोग झूठ मूठ का प्यार नहीं करते किसी से। हम लोग बाजरा कूट के नहीं आए जो खुजली पैदा करें। ऐसा नहीं कि बस बोल दिया हमें आपसे प्यार है और प्यार हो गया। नहीं नहीं नहीं, प्यार किया तो प्यार को निभाओ, उसे प्यार कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। आपने कहा कि हम आपसे अब करुणा जी भी नहीं कहेंगे तो मत कहो, तुम्हारी इच्छा है। हम आपको बहन जी भी नहीं कहेंगे, बिल्कुल मत कहो। हम कब कह रहे हैं? वैसे तुम कुछ कह कब रही थी? आपने आते ही मनु पानी वाली करुणा जी नहीं, हमारे संस्कारों की बात कर रही है। करुणा जी आपके संस्कार हैं और हमारे संस्कार हैं। क्या करें बहन जी, हमारे संस्कार बहुत खराब हैं। हमारे यहाँ बड़ों को जी तो कहते हैं, लेकिन भैया होता है तो भैया जी कहते हैं, और पिता है तो पिता जी कहते हैं, माता है तो माता जी कहते हैं, और बहन है तो बहन जी कहते हैं। हाँ। ये नहीं करुणा जी, माता जी को श्रीमती कल्पना दुबे राम राम नहीं कहते हैं ना। समझ गए? जिसका जो रिश्ता है उसको रिश्ते के सहित सम्मान दिया जाता है। तो भाई हमारे संस्कार बड़े खराब हैं, क्या करें। आपको ज्यादा खराब लगे तो आप हमारे संस्कार मत लीजिएगा, क्योंकि आपको शूट भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे और आपके संस्कारों में यही एक अंतर है। जल्दी लग जाती है, जबकि मैंने ही कहा था कि मतलब की बात की जाए ज्यादा अच्छा, फालतू बातों पर ध्यान न दीजिए। मैंने गाया था कि चरण रज की जादू है ये, हो चरण रज का जादू है ये, अरे हाय चरण रज का जादू है ये, चरणों से ही सोमा करते हैं कि चरण रज में इतना कमाल है तो चरणों में कितना कमाल होगा। तो आप कह रहे हैं कि मैं मेहनत तब करों से कमाल दिखा रही हूँ। हम बात करें बात करूंगी खलिहान की। ये कैसा, ये कौन सा जवाब हुआ? आप कह रही हूँ सीधी सी बात थी कि जब आपने पूछा, भाई सीधी सी बात थी उसमें मैं प्रभु ने फिर कैसे पार करेंगे। बात यह है जब उनके चरणों की रज में इतना जादू है तो चरणों में कितना बड़ा जादू होगा, शंका व्यक्त की है जामा जी ने। ये मेरे घर की रामायण में नहीं लिखा है। आप कह रही हैं पहले नारी थी उसके बाद पत्थर बनी, पत्थर के बाद नारी बनी, ऐसा तो है। फिर सीता जी ने पैर क्यों नहीं छुए, क्यों नहीं छुए श्री राम के? और आपने अपनी चौपाई के द्वारा सिद्ध भी किया। बिल्कुल, हमको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, आपका प्रयास अच्छा रहा, बहुत बढ़िया, हमें भी आपका प्रयास स्वीकार है। बिल्कुल, क्योंकि ये क्षमता की ही बात होती है कि किसकी कितनी क्षमता है, कौन कहाँ पहुँच सकता है, कौन कहाँ नहीं पहुँच सकता है। आपने प्रयास किया, नहीं पहुँच पाई कोई बात नहीं है, लेकिन प्रयास अच्छा था, बहुत अच्छा प्रयास था। ये डफली राग भैया तुम सुबह सुनाना, अभी हमको हमारा राग सुनाने दो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके हाथ में इतना सुंदर सरस्वती माने कमाल दिया है, इतनी सुंदर आप पेटी बजाती हैं। उधर से कोई श्रीमान जी कह रहे थे बड़ा चिल्लम चिल्ली हो रही है, बड़ा हल्ला, आप ही बताएं कि उधर से कोई हल्ला गुल्ला हो रहा है,
कोई भी पीछे से कुछ कह रहा है, शांति से बैठे हैं, या हमने कोई हल्ला गुल्ला किया नहीं ना, केवल टू दी पॉइंट आपसे बात की है। अब उधर से बात कर रहे हैं, कुर्ता लाल लाल, पता नहीं क्या क्या, हैप्पी बच्चा, ये क्या होता है? ये वही समझ से परे हो आप हमारी, ये वही होता है जो कहीं नहीं होता है। नहीं, इंसान को स्मार्ट होना चाहिए, लेकिन ओवर स्मार्ट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ना। खैर चलिए ठीक है, इतनी सुंदर सुंदर इन्होंने ढूंढ गाई, सच्ची दिल से बताना आपके दिल को भाई है, कितने दिन याद रखोगे इन दोनों को? नहीं भाई ना, ठीक है। अरे तो कम से कम गीत ऐसा तो गाओ बहन जी, इतनी दूर से चलकर आई हो, आपका इतना बड़ा नाम है कि इस नाम को कभी भी भुला कर भी भुलाया ना जा सके। और इनकी तो बात छोड़ो, हम तुम्हें सुनने आया हम बहुत भाई, हमारा कल्पना जी से कार्यक्रम है आज, बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, बहुत अच्छा कुछ सुनने को मिलेगा। अब सुनने को क्या मिल रहा है पता नहीं, क्या गाया जा रहा है, क्या बजाया जा रहा है, जय जय। लेकिन आइएगा आपने कटपीस गाया सरगंदी लगाई आपने, सारे सा रे गा रे गा मा 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 मा, ये क्या है? ऐसे ही सरगम लगाई जाती है, छोटे बच्चे लगाया करते हैं ऐसे जो सीखते हैं वो, आप जैसे मजे हुए कलाकार नहीं, क्रम बनाते हैं इसका तो अच्छा लगता, कुछ आनंद आता है, पब्लिक भी ताली बजाने पर मजबूर हो जाती है। अब भैया हमको तो तुम्हारी सरगम सेट है नहीं, तो हम तो गाएंगे नहीं, लेकिन चलिए फिर भी कोशिश करते हैं। कटपीस गायब हो गए, अरे तोरी बांसुरिया कौन से शास्त्र में आपने पढ़ लिया कि बांसुरी में से सरगम निकलती है? कौन से शास्त्र में पढ़कर आए हैं कि बांसुरी में सरगम निकलती है? कंप्यूटर लॉक किया जाए, सरगम नहीं निकलती है भाई, बांसुरी में सरगम नहीं निकलती है, बांसुरी में तो केवल अनहद नाद निकलता है। चलिए ठीक है, जागी रही भावना जैसी और झीलो घास चरावो भैंसी, हम क्या कर सकते हैं? अब आपकी आपकी क्षमता है, ये क्षमता को तो चैलेंज भी नहीं कर सकते, नहीं तो पता नहीं अभी सुबह तक कौन सा राग धमाल गाने लगेंगे, पता नहीं चलेगा। अभी तो हमको नहीं समझ आ रहा, फिर पब्लिक को भी समझ में नहीं आएगा, और पता चला कि हमारे आने वाले जगदीश बाबा ने जो लाखों रुपया खर्च किया है, सबका मंडी बना के चल जाए कल्पना जी, बिल्कुल सारे प्रोग्राम की हवा। चलिए ठीक है, तो आइए आहा।
कहते कोई भी हो, हम हो, ये हो या अन्य कोई हो, क्योंकि अभी इनकी किसी की भी इतनी क्षमता नहीं है कि मंच पर खड़े होकर कोई ऐसी सरगम आपको सुना दे कि आपकी तबीयत बाग बाग और दिल गार्डन गार्डन हो जाए। तो सारे सा रे गा रे गा मा मा सरस्वती की वीणा से निकलती है, बंसी से नहीं, याद रखिएगा। खैर एक बात याद आती है, आप लोगों की कुछ बचपनी जो बातें हो रही है उनको सुन कर कि मुसीबत में शरीर में भी शराबत कम नहीं होती, मुसीबत में शरीर में भी शराबत कम नहीं होती। और कल्पना जी करो सोने के सब टुकड़े, करो सोने के सौ टुकड़े, मगर सोने की कीमत कभी भी कम नहीं होगी। क्या बेकार की बकैती लगाई हुई है, समझ में नहीं आता। गाना बजाना करो, कुछ आनंद आए। ईमानदारी की बात है, बस गवाह ये पब्लिक है। तो भूल गया जब सांस और मर्दों में का शील भंग करने के लिए देखिएगा
मैंने कोशिश की है यहाँ पहुंच जाते तो क्या होता है, और जब जाता तो होता क्या कहिएगा। अनजाने बल्कि छल किया देखिए होता क्या है। पक्र से राक्षस रे।